पलामू में एक ऐसे थाना प्रभारी हैं जो सिर्फ कानून व्यवस्था को संभालने के लिए नहीं बल्कि सामाजिक पुलिसिंग के लिए सबसे अगले पायदान पर जाने जाते हैं, और वो थानेदार हैं रेहला थाने के लालजी यादव। जब से लालजी यादव ने रेहला थाना का कमान संभाला, लगातार चर्चा में रहे। कभी ज़रूरतमंद युवाओं के लिए बड़ा भाई बनकर खड़े हो गए। उनके पढ़ाई में बाधा बन रही उनकी आर्थिक स्थिति की वजह से पुस्तकें उपलब्ध नहीं होने की कमी को उन्होंने दूर कर दिया। वहीं लॉकडाउन में लगातार राहगीरों के लिए मसीहा बने रहे। चर्चाएं बढ़ी तो लोगों की उम्मीदें भी बढ़ी, और उसी उम्मीद से आर्थिक तंगी से जूझ रहे रेहला खुर्द के दिव्यांग दंपति विनोद पासवान और सुनंदा देवी रेहला थाना पहुंचकर अपने परेशानियों को साझा किया। रेहला थाना प्रभारी तत्काल राशन उपलब्ध कराकर उनकी मदद की और सब्जी का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक मदद भी दिया, ताकि दिव्यांग दंपति को आगे कभी मदद के लिए किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। लालजी यादव के इस पहल की प्रशंसा पूरे इलाके में हो रही है। पुलिसिंग के मायने बदलने वाले युवा थाना प्रभारी को हम भी सलाम करते हैं। विश्रामपुर नगर परिषद से अध्यक्ष पद के भावी उम्मीदवार मुंशी प्रसाद गुप्ता लगातार चर्चा में बने हुए हैं। पूरे इलाके में जरूरतमंदों की आर्थिक सहायता से ख्याति प्राप्त कर रहे मुंशी प्रसाद ने कलाकारों को सम्मानित किया। कोरोना महामारी में सांस्कृतिक कार्यक्रम बिल्कुल बंद है, और इसी वजह से कलाकारों को आर्थिक तंगी की समस्या झेलनी पड़ रही है। इसलिए मुंशी प्रसाद ने सांस्कृतिक कार्यक्रम करने वाले कलाकारों को बुलाकर उनकी मदद की और उन्हें सम्मानित किया।